बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हजामा करवाना सुन्नत है और चाँद की कौन सी तारीखों में हजामा करवाना चाहिए? हजामा यानी पछने लगवाना, ये भी एक तरीका इलाज है जिसे बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतौर इलाज के इख्तियार फरमाया था। कई अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इलाज साबित है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सबसे बेहतरीन इलाज करार दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी इसकी तरगीब दी है। और तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की 17, 19 और 21 तारीख को पछने लगवाने के लिए सबसे बेहतरीन वक़्त करार दिया है, क्योंकि इन तारीखों में खून अपने एतदाल पर होता है, जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन तारीखों के अलावा भी जिस वक़्त ज़रूरत पड़े उस वक़्त भी हजामा करवाया जा सकता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ज़रूरत के वक़्त कभी कभी हजामा करवा लिया करते थे, तो इसलिए हजामा करवाना ये सुन्नत है और ये तरीका इलाज भी है। और बेहतर वक़्त चाँद की 17, 19 और 21 तारीख है, लेकिन इसके अलावा जब भी कभी ज़रूरत पड़े इन तरीक़ों के अलावा भी हजामा किया जा सकता है।